रसोईया मांगों को लेकर तहसील पर महिलाओं का प्रदर्शन, अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के तहसील रसोईया महिलाओं ने बहुत ही कम दी जा रही मजदूरी को लेकर धामपुर तहसील पर प्रदर्शन किया। एवीएन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें दी जा रही मजदूरी 1000 ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। उन्होंने बताया कि रसोइयों का मानदेय 10,000 रुपए माहवार दिया जाना चाहिए और उनका मानदेय खाते में नियमित रूप से दिया जाए। उनका आर्थिक व मानसिक शोषण ग्राम प्रधानों व प्रधानाचार्य के हाथों किया जाता है, उस पर अंकुश लगाया जाना न्याय हित जरूरी है। रसोइयों का प्रति माह 10,000 रुपए मान दे दो, रसोइयों का उत्पीड़न बंद करो, रसोइयों को उत्पीड़न बंद करो, रसोइयों को नियमित करो। आज हम लोग यहाँ पर रसोइयों को लेकर पहुँचे हैं और रसोइयों की जो समस्याएं हैं, इतनी मेहनत रसोइयां करती हैं, सिर्फ 1,000 रुपया मानदेय वो भी इनके खाते में नहीं जाता जिसके लिए इनका उत्पीड़न होता है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि रसोइयों को एक तो नियमित किया जाए, दूसरा इनका मानदेय इनके बैंक खातों में आना चाहिए और 10,000 रुपये प्रति माह जो है रसोइयों को जो है मानदेय मिलना चाहिए। जो उत्पीड़न रसोइयों का किया जाता है उस उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हमारा संगठन जो है वो तमाम रसोइयों को संगठित करके और रसोइयों के अधिकारों के लिए एक जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रसोइयों की जो मांग है उन मांगों के लिए पूरे जिले की रसोइयों को हम लोग संगठित करें। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांग पूरी हो जाए, 10,000 रुपए महीना होने चाहिए, हमारा पैसा जो खत्ते माना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम ऐसे डटे रहेंगे, जब लोग मंत्री साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे हम ऐसे अड़े रहेंगे। तो क्या आप लोग पूरे जिले की रसोइयों को संगठित करेंगी और अपने अधिकार की लड़ाई और सभी बहनों को संगठित करेंगी? चलिए, रसोइया संघर्ष समिति जिंदाबाद, रसोइया संघर्ष समिति जिंदा।